करता हूं, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार संक्रमण। आप एनआईएम में रोग विज्ञान के अध्यक्ष, रोग विज्ञान के प्रोफेसर हैं, कृपया मंच पे आए। सह अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एम पी सिंह सर को। प्लीज प्लीज कम ऑन द डाइस। अब मैं अपने गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा सर से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। ये हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष का विषय है एंड प्रेजेंट पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि बीइंग अ पंचकर्म स्कॉलर हमें जो डिपार्टमेंट में बेसिकली पेशेंट मिलते हैं वो कैटेगरी उनकी कुछ ऐसी होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डराइटिस, लंबर स्पॉन्डलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेनिस एल्बो। तो सिंस माई वेरी बिगनिंग डेज फ्रॉम जामनगर आई वॉज फाइटिंग विद नंबर ऑफ कंडीशन कि कई बार होता था कि बहुत सारा पंचकर्म भी किया, समन औषधियाँ भी दी, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा सा गैप फील होता था। व्हेन आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर इन रिश्कुल आयुर्वेद कॉलेज, उस समय हमसे सर से इंटरेक्शन करने का मौका मिला कि न्यूरोथेरेपी एक विधा होती है, हमने यूट्यूब के माध्यम से जाना, फिर सर के कांटेक्ट में आए, हम व्यक्तिगत तौर पे सर के पास कोटा गए भी और सर से सीखा भी। तो दो तरीके के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हो हल्ला करके थोड़ा सा करने वाले, और उसके ठीक उल्टे दूसरी कैटेगरी होती है कि बिना आवाज़ किए वो इतना शांति से काम करते हैं कि उनका काम ही शोर मचा देता है। उसमें है हमारे सर डॉक्टर मनोज शर्मा सर, प्लीज़ एक बार जोरदार उनके साथ तालियों साथ स्वागत करें। और यकीन कीजिए कि ये न्यूरोथेरेपी आप हार्डली कुछ दिन में सीख सकते हैं, और इसी इफिकेसी हमें लगता है इसके बीच में हमारे कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यू कैन ट्रीट अस पेशेंट सिंपली विद इन अ पीरियड ऑफ वीक। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं लाइक फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, इट कैन बी मैनेज इंस्टेंटेनियसली, तुरंत के तुरंत मैनेज हो सकती है। तो सर के लिए शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम मनश्चेन लग्नम गुरु रघुपत्नी तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। इफ यू आर वेरी ब्यूटिफुल बॉडी, इफ यू आर वेरी चार्मिंग वाइफ, if you have your fame is all around the directions, if your wealth is equal to mountain hill, but don't have dedication towards your guru, it's of no meaning. So dr. manoj sharma, ayurvedic neuro research center and hospital ke naam se sir ka hospital hai kota rajsthan mein, sir wahan treatment karte hain aur duniya bhar mein, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया घूम घूम के सारे जिलों में, शहरों में कैंप करते हैं। और न्यूरोथेरेपी की इफिकेसी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री जी अपने कार्यक्षेत्र गोवा में कम से कम 10 कैंप उन्होंने लगवाए, खुद सर से पर्सनली रिक्वेस्ट करके 10 कैंप गोवा में लगवाए। और सर की पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है कि इफ़िशियंसी इतनी ज़्यादा है कि एक ही कैंप, एक कैंप पर 14,000 पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं। हमें नहीं लगता है कि अभी इस मेले में टोटल 14,000 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, भले ये हॉल छोटा है लेकिन हॉल में बैठने वाले लोगों का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, उनकी कार्यक्षमता बहुत बड़ी है और उनका कद बहुत बड़ा है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर मनोज शर्मा सर से आए और न्यूरोथेरेपी के बारे में इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूरोथेरेपी पेशेंट पे स्टार्ट करेंगे। और हमें पता है सर बोलते बहुत कम हैं, करते ज़्यादा हैं। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, क्षमा प्रार्थी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले हमें अपने अतिथियों का, अपने गुरुजनों का स्वागत करना होता है। इस क्रम में निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर कपूर सर से, जिला आयुर्वेद अधिकारी देहरादून से, कि वो मंच पे आए और हमारे आज के चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर का कुछ स्वागत करें।
और डॉक्टर नयन श्रीवास्तव सर से निवेदन है कि वो मंच पे आए और आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर मनोज शर्मा सर का बुके प्रदान करके स्वागत करें। डॉक्टर अर्चना से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आए और आज के कोर्स सेशन डॉक्टर टीपी सिंह सर का कुछ कुछ प्रदान करके स्वागत करें। वक्ताओं और श्रोताओं के बीच में बिना कोई गैप क्रिएट किए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर मनोज शर्मा सर एंड अटेंड दिस सेशन सर। डॉक्टर मनोज शर्मा सर से अफर्ड करते हुए पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं और नहीं होते हैं तो फिर सोचना पड़ता है आखिर ऐसा क्या करें। आयुर्वेदिक हर टेक्निक अपन अप्लाई करते थे फिर भी नहीं होते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो बिल्कुल मेडिकल है उन पर थोड़ा ध्यान गया और ये एक आयुर्वेदा न्यूरो थेरेपी मैंने इसको नाम दिया है। अब इसमें आयुर्वेद न्यूरो थेरेपी तीन चीज है तो सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछते हैं सब आयुर्वेद में न्यूरो कहाँ है कि आयुर्वेद में न्यूरो का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। न्यूरो का जब आयुर्वेद का जन्म हुआ तब से न्यूरो है पर फर्क इतना है कि शब्द बदल दिया वहाँ नाड़ी की जगह न्यूरो कर दी। तो आयुर्वेद में न्यूरो का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमने दुनिया के सामने रखा और आप शायद बिलीव नहीं करोगे कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे फास्ट टेक्निक है और ये ऐसा नहीं है कि स्पाइन ज्वाइंट न्यूरो डिसऑर्डर के ऊपर ही वर्क करते हैं। इसमें सभी कुछ हमने प्रयास किया है कि कोई डिजीज ऐसी नहीं बचे और मैं हर 6 महीने में कोई नई रिसर्च ला देता हूँ कोई नई टेक्निक सामने आ जाती है लेकिन इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद में पंचकर्मा अग्निकर्मा शिरोधारा जितनी भी टेक्निक्स है आयुर्वेद में उन सबका इसमें योगदान है और सबसे मेन चीज हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम एनाटॉमिकल चेंज लाते हुए बीमारी को ठीक करते हैं। ये बात मैं बातों से नहीं मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें हैं सामान्य सी बातें हैं जो अपन यहाँ सब छह आयुर्वेद के विशेषज्ञ विराजमान है इसको बहन की है क्या आयुर्वेद में थेरेपी नाम की कोई चीज है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारी कमजोरी है। आयुर्वेद में सब कुछ है योगा क्या है? योगा थेरेपी तो है लेकिन हमने कभी जोड़ा नहीं आपस में। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इतिहास है 2400 वर्ष पुराना। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ शारीरिक जो चिकित्सा है शारीरिक चिकित्सा का मतलब है फिजियोथेरेपी ये साथ साथ ही डेवलप किए हैं क्योंकि उनको लगता था कि इसके साथ इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी। तो अपने आचार्य अपनी जो इतने हजारों वर्षों पुरानी जो ये टेक्निक ये जो आयुर्वेद है क्या उनके दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं दी? तो उन्होंने दिया है सब कुछ दिया है लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाए बस ये थोड़ी कमी अपने अंदर रह गई। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं बोलता बहुत कम हूँ मैं काम में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ।